थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. एंड दिव्या, एज वी सेड, यू नो, वो इमोशनल ग्राफ जो है पूरा, उसको बड़े बड़े बखूबी आपने यहाँ पे निभाया है. आई नो यू प्रिटी इमोशनल राइट नाउ, सो वील कम टू दैट. लेकिन उससे पहले आई थिंक वी शुड टेक द मीडिया क्वेश्चंस. व्हाट डू यू गाइस से? Mizan, what did you say? We have more songs to come, right? Yes, yes. Exactly. We Speaking have of songs. Songs, where is my song? It's coming. No, but we have Sachet and Parampara here. So we can't go ahead without them singing a few lines. So we can't be just answer, right? We should be there at the audience and get those guys on stage. Sachet and Parampara hamare saath yahan pe. Just want to say the film is looking really, really beautiful. Congratulations to each and everyone. And we are glad that we are part of this beautiful, beautiful film. Check. Can you guys hear me? Less, thoda sa volume, please. Check. First of so much, each one of you, time ka crunch aajkal sabhi ke paas hai, but aap sabhi log time nikal ke aaj idhar aaye hain, hamare ko sunne, ye trailer dekhne. Thank you so much to each one of you. Huge round of applause for you guys. And second of all, we feel so happy that. इतनी बड़ी लेगेसी यार यहाँ की 2014 एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9 ईयर्स. जब हमने पहला एल्बम जो आपने डायरेक्ट किया था, जब हमने सुना था, वो बहुत ह्यूज एल्बम रहा था अपने टाइम का. और उसके बाद भी नाउ बीइंग हियर, स्टैंडिंग हियर, यारियाँ 2 लेगेसी, वी आर पार्ट ऑफ दिस एल्बम, इट्स सच एन ऑनर फॉर बोथ ऑफ अस. थैंक यू सो मच. है ना, जब हम लोग स्कूल में थे तब देखा था. बट Okay, so I'll just sing few lines जो हमने गाया भी है. So जिस जिसको आता होगा थोड़ा बहुत साथ दे दीजिएगा. कटघरे में नहीं रखते हैं इसको, थोड़ा सा friendly बनाते हैं. And if you know the song, please sing with us, guys. सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम. अपने मन की मैं जानूं और तेरे मन की राम. सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम. सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम. Your turn. So, thank you so much once again. मैंने एक बहुत प्यारा सा गाना गाया. मेरे ख्याल से वो गाने से ज़्यादा एक ठुमरी है, क्योंकि मैंने इसको जितनी बार गाया मुझे लगा इसके बहुत लहज हैं इस सॉन्ग के. दिस सॉन्ग इज कॉल्ड काजल बिंदिया. एंड मैं थोड़ा अभी सो आई सिंग 2-3 लाइन्स ऑफ दैट सॉन्ग. ओके. काजल बिंदिया सब सुख छूटे, तेरे बिना सब तारे टूटे. ना ना ननी है पहले जहां था, तेरे बिना सब तारे रूठे. बिन तारों के वो बातें बोलोगे किस से मोरे पिया. जो तू रांझा रोया संग हीर भी रोए. जो तू रांझा रोया संग हीर भी रोए. जो तू रांझा. Thank you so much. Promise ki kamaal hai yaar, sach zordar taaliyan ho jaye. You know, we'll quickly talk about this, that T series. When we talk about T series as a production studio or music, and of course Vinay sir or Radhika ji ki bhi agar baat kare, they've always talked about music ki kitna important part hai hum sab ke liye. To yahan pe aapki journey bhi ek tarike se wo breakthrough tha Kabir Singh, aur tab se leke ab tak you guys have not looked back, aur waisa kabhi bhi nahi hoga. Quickly, if you had to talk to us about T series ke sath aapki collaboration. I think T series is a family. Iske alawa mere paas shabd nahi hai, parivar hai. Bhushan sir and Divya ma'am, I think unse kuch bhi kehna, wo baatein samajhna, music ki itni jankari rakhna,
और जिस प्रकार का म्यूजिक हम लोग चाहते हैं वैसा बना के इफ वी कैन रिलीज दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग. आजकल सिंगल का भी काफी दौर है. सो आई थिंक ही इज टोटली सपोर्टिव एंड आई थिंक मुझे ये मैं ये बोलूँगी जो गुलशन सर से शुरू हुआ फिर भूषण सर ने इसको आगे लेके गए. इट नीड्स अ लॉट ऑफ पावर, इट नीड्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस टू यू नो मेंटेन दिस लेगेसी फॉर सो मेनी इयर्स. एंड आई कूडस टू एंड बिग क्लैप राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टी सीरीज एंड फैमिली. वो ऑन दैट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन वन मोर टाइम वुड लाइक टू इनवाइट द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ यारियां 2 वन मोर टाइम स्टार्टिंग विद द मैवरिक डायरेक्टर डुओ लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार गेट द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कहां से आ रहा है. हाँ आस्था जी माइक है आपके पास. या कम हेलो यू ऑन दिस साइड. हाय दिस इज आस्था फ्रॉम ऑसम टीवी. फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेलर लुक्स फैब एंड इट्स द रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस. सो माय क्वेश्चन इज टू दिव्या. Obviously, I loved your fashion sense in real life and also in real life. So what is your style statement and how do you always, you know, are on point with your fashion game? I always believe in minimalistic, don't do too much. And also, you know, I'm very petite, so nothing big suits me. It just overwhelms me. And I think comfort is the most important thing. I dress up according to my comfort and not according to any fashion or trend. And your skin also looks flawless. So any tips for flawless skin? I've also been asking her this for a lot of years. So we want to know. Good genes. Yeah, I guess my parents, yeah. Hi, Divya. Hi. Hi, Russell, you're from DTI. Hi, Russell, yes. Divya, the first Yaariya 2014 came out. It was a काफी बड़ी हिट भी थी. आपका डायरेक्टोरियल डेब्यू उस फिल्म से हुआ था. 9 साल के बाद ये सेकंड फिल्म आ रही है. But it's really looking good. The trailer is looking fantastic. But in 9 सालों में आपने कभी नहीं सोचा एक यारिया 2 खुद ही डायरेक्ट करने को? I think बहुत बार सोचा, but script ही ऐसी नहीं मिली, which would do justice to it.